नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जैसे ही सरकार बदली उसके बाद नगरपालिका में जो बदलाव हुए तो सामने आया टकराव। जी हां, नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ के सामने का टकराव दिन पर दिन सड़कों पर आता नजर आ रहा है। एक और मामला तब सामने आया जब जोगिंदर सिंह पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक तिकोने पार्क को रातों रात ढा दिया गया और अब उस पर राजनीति शुरू हो गई है। सरकार बदलते ही भाजपा नेत्री और नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और नगरपालिका सीएमओ अरुण पटेरिया के बीच शुरू हुई टकराव की स्थिति शहर के एक पार्क को तोड़े जाने के बाद सड़क पर आ गई। दो दिन पहले नगरपालिका सीएमओ अरुण पटेरिया के निर्देश पर बस स्टैंड के जोगिंदर सिंह पेट्रोल पंप तिराहे पर बने पार्क को तोड़ा गया था। इस पार्क को टूटने के बाद नपा अध्यक्ष अर्चना सिंह ने आरोप लगाए हैं कि बिना उनकी और पार्षदों की परिषद की मंजूरी दिए बगैर जिस अधिकारी ने भी इस पार्क को तोड़ा है वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। नपा अध्यक्ष शनिवार को पार्षदों के साथ टूटे हुए पार्क को देखने पहुंची और उन्होंने कहा कि वे एक जांच टीम गठित कर पार्क के तोड़े जाने की मंशा का पता लगाएंगी। इस मामले में सीएमओ अरुण पटेरिया ने पिछले दो दिनों में मीडिया को दिए बयानों में कहा है कि यातायात समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर मोहित बुंदस के द्वारा आम जनता की मांग पर इस पार्क को तोड़े जाने के निर्देश दिए गए थे। तिराहे पर बना यह पार्क जीर्ण शीर्ण था और दोनों हाईवे यहां आपस में मिलते थे। जगह सक्रिय होने के कारण यह पार्क ट्रकों के मुड़ने में बाधक था, इसलिए इसे तोड़ा गया है। इस पार्क के टूटने के बाद कुछ आरोप भी हवा में तैर रहे हैं। आरोप लगाने वाले लोगों का कहना है कि पार्क के सामने एक विशाल मार्केट का निर्माण हो रहा है। मार्केट का निर्माण कर रहे लोगों ने प्रशासन से साठ गांठ कर इस पार्क को तोड़वाया है। यह पार्क उतना बड़ा बाधक नहीं है जितना कि पार्क के सामने लगी डीपी है, लेकिन इसे शिफ्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। नगरपालिका अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि उनके पति भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने घोषणा की थी कि इस पार्क में सरदार प्यारे सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घोषणा को पूरा किया जाएगा। ये पार्क था और इस ये बड़ा दुखद बात है कि ना अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष को पता चला और ना ही मेरी पूरी परिषद को पता चला। मेरे पार्षदों को भी नहीं पता चला इस बात का कि ये पार्क तोड़ दिया गया। हमको सुबह जब इस बात का पता चला तो हमने इस बात को पता करना चाहा तो हमको पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन आज ही जब सिख समाज के द्वारा भी हमको इस चीज़ का एक आवेदन दिया गया, एक शिकायत दी गई कि कैसे करके पार्क तोड़ दिया गया, तो इसी शिकायत के उस पे चलते हमने जो हमारी परिषद जो हमारी पीआईसी है उनके सभी मेंबरों की आज एक दल उनका गठित किया है, एक जांच दल गठित किया है जो कि इसका जांच करेगी और जांच करने पे जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसने भी इसको तोड़ने में वो लिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई निश्चित हो। जब सरदार प्यारा सिंह जी जो कि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे और हमारे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष थे, बहुत सारे पदों पे आसीन रहे, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे और उनकी याद में जब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे तो उनकी याद में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी ने यह घोषणा करी थी कि हम एक पार्क में उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे। तो ये जगह हमने चिन्हित की थी और हमें बड़ा दुख है कि हम यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं कर पाए। पता नहीं अधिकारियों के मन में क्या इस जगह को लेके लालच आ गई, हमको ये नहीं मालूम चल पा रहा है और बहुत जल्दी ये आपके सामने खुलासा होगा कि इसको किस अधिकारी के कहने पे तोड़ा गया है और कैसे अधिकारियों ने तोड़ा है। जबकि नगर पालिका अध्यक्ष को भी, क्योंकि जब परिषद की अनुमति से कोई संपत्ति बनती है तो वो परिषद की बिना जानकारी के उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ना तो उसमें कोई काम कराया जा सकता है, ना उसमें कोई सजावट कराई जा सकती है, ना ही उसको धराशायी किया जा सकता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका की संपत्ति को हानि पहुंचाई गई, ना ही नगर पालिका अध्यक्ष को पता है और ना ही उसकी परिषद को पता है। तो इसके लिए उन अधिकारियों को तैयार रहना पड़ेगा उस कठोर कार्रवाई के लिए जो कि उन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। हमारे नेता के साथ, हमारे सिख समाज के नेता के साथ जो ये काम किया गया है ये बहुत ही गलत किया गया है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ये पार्क बनेगा और यहाँ पे हमारे स्वर्गीय सरदार प्यारा सिंह जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ये जिनने भी किया अच्छा नहीं किया है और अच्छा लगता था पार्क बना हुआ था यहाँ, और हमारे जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सरदार प्यारा सिंह जी उनकी उसमें मूर्ति भी स्थापित होना थी। जिसने भी ये किया है अच्छा नहीं किया है। हम पार्षदों को पता नहीं है, परिषद को पता नहीं है, हमारे अध्यक्ष महोदय को पता नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निश्चित किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। सामने एक मॉल बन रहा है,
या भू माफियाओं को ये लाभ मिलेगा इससे। सरकारी नीति और मिट्टी में हम लोगों को पहले बात अध्यक्ष जी ने बोला था कि सरदार प्यारा सिंह जी की इसमें मूर्ति लगनी है, तो सरदार प्यारा सिंह पूरे सिख समाज हमारे वार्ड नंबर 4 में रहता है, उन्हें बहुत आक्रोश है। उन लोगों ने हमसे आगे कहा कि भैया बताओ, आप लोग तो कह रहे थे यहाँ पे सरदार जी की मूर्ति लगनी है और मूर्ति की जगह आपने लोगों ने पार्की तोड़वा दिया। तो हमने अध्यक्ष जी से चर्चा की तो अध्यक्ष जी ने सामने बोला हम लोगों को भी किसी को जानकारी नहीं है। बताओ पूरी परिषद को जानकारी ना होने के बाद इतनी पवित्र मिट्टी जहाँ पे हम लोग चाह रहे थे कि सरदार प्यारा सिंह जी की मूर्ति लगे, हमारे पूरे वार्ड में सिख समाज के लोग रहते हैं काफ़ी, उनमें भी आक्रोश है, हमारी पूरी परिषद में आक्रोश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जितना विरोध होगा, अध्यक्ष जी से बात हुई है, जो जिन लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई HD, वीडियोकॉन T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए कूलर और AC की समस्त रेंज हमारे पास उपलब्ध है। डाइकिन AC की परचेजिंग और सेल्स एंड सर्विस की सुविधा भी अब हमारे यहाँ उपलब्ध। तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।